कोई ऐसी चीज, एक ही वनस्पति बहुत बड़ी मात्रा में फैल जाती है। आपने कई सारे तालाब ऐसे देखे होंगे कि उस तालाब के ऊपर ऐसी ग्रीन चद्दर छाई हुई, और ग्रीन चद्दर किसकी होती है? अलगे की होती है। वो ग्रीन चद्दर किसकी हो सकती है? तो जलकुंभी की हो सकती है। ये हो रहा है क्योंकि उसमें जो चीज नहीं जानी चाहिए वो जा रही है, नाइट्रेट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कई सारे ऐसे कंपाउंड है जो इंडस्ट्रीज में तैयार होते हैं, वो डायरेक्टली हमारे पानी में जाते हैं। उसमें से एक है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी VOC। जहां जहां एयर पोल्यूशन, प्लास्टिक, पेंट, ये जो पेट्रोकेमिकल की बनाने की फैक्ट्री है ना, उससे ये निकलता है और ग्राउंड वाटर में आज की तारीख में जा रहा है। दूसरा है PAH, यानी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये भी जहां जहां ये पेट्रोकेमिकल से ही निकलता है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन उससे निकलता है, और वो आज हमारे पानी में जा रहा है। और ये दोनों चीज जो हमने देखी, ये 100% कैंसर का निर्माण करती है। मेटल्स, कई सारे मेटल्स आज की तारीख में हमें पानी में मिलते हैं, ये लीड, कॉपर, मर्क्यूरी, आर्सेनिक, कैडमियम। आप हर चीज के बारे में, मैं आपको एक लेक्चर दे सकता हूं, एक सेशन हो सकता है। लीड, लीड पॉइजनिंग इन इंडिया, कॉपर, अभी ये सबकी पॉइजनिंग, इसकी ये इतनी खतरनाक अपने पूरे हेल्थ सिस्टम के ऊपर होती है, बदन के ऊपर होती है। कहां से आते हैं ये सब मेटल्स? उसमें देखो, एक बात तो हमें समझना पड़ेगा कि जमीन के अंदर ये मेटल्स नॉर्मली होते हैं। जमीन में मेटल थोड़े 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 होते हैं, अपने हिसाब से होते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपके पास कुआ है, बोरवेल है, इतने सारे कुएं बनाते हैं, इतने सारे आप बोरवेल बनाते हैं कि निकलते 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 तो नॉर्मल पानी तो निकलता है, लेकिन उसके बाद जो पानी आता है ना, उसमें सिर्फ ये ज्यादा हेवी मेटल्स होते हैं, आजू बाजू की जो चीजें नहीं होनी चाहिए वो होते हैं, और इसीलिए इस मेटल्स हमारे पानी में बढ़ रहे हैं। फार्मास्यूटिकल, आजकल तो दवाई भी इतनी बढ़ रही है, दवाई हॉस्पिटल वगैरह भी इस तरह वो मैनेज करते हैं। क्या करते हैं? तो गड्ढा करते हैं, उसमें डाल देते हैं। कोई भी उनको लगा कि 1000 टन वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट है, तो क्या करते हैं? तो ऐसा डाल देते हैं, और फिर से सिप करके करके वो दवाई भी हमारे पानी में आज की तारीख में आ रही है। और इसके कारण क्या है? तो एक कारण तो हमने देखा टॉयलेट के सिस्टम, जिससे उससे हो रहा है। दूसरा ये देखा कि सीवेज के बहुत सारे ड्रेन जो अंडरग्राउंड होते हैं वो भी यहां से वहां से लीक होते हैं, वो भी जाते हैं। तीसरा, अगर हमने देखा कि एग्रीकल्चर, यानी जो जो फर्टिलाइजर, जो पेस्टिसाइड हम लोग कर रहे हैं, उसके वजह से सब पानी में जा रहे हैं। कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल लीक्स, ये कमर्शियल इंडस्ट्रीज में आप देखोगे तो कई सारे केमिकल्स या फ्यूएल्स, ईंधन या बाकी की चीजों के लिए ना एक पाइपलाइन होती है। बहुत बार तो ये पाइपलाइन जमीन के अंदर होती है, और ये पाइपलाइन फूटती है, ये पाइपलाइन का मेंटेनेंस नहीं बराबर होता, और जिसकी वजह से ये पूरे जो केमिकल्स है, कैंसर तैयार करने वाले केमिकल्स, बहुत बार ये हमारे पानी में, ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं। ओवर पंपिंग, और जैसा मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ओवर पंपिंग है, जो ज्यादा ज्यादा हम लोग रिचार्ज नहीं करते, यानी हम लोग डालना चाहिए पानी, रिचार्ज करना चाहिए, वो नहीं करते, सिर्फ निकलते रहते हैं, और इसलिए फिर वो पानी के साथ ये सब कुछ निकल रहा है। तो कैसे मैनेजमेंट करते हैं आज की तारीख में? तो आज की तारीख में मैनेजमेंट करने में क्या करते हैं कि ये सरफेस वाटर का जो है ना, जहां भी ये जो म्युनिसिपालिटी, महानगर पालिका वगैरह है, जो पोल्यूटेड पानी है उसको साफ करने के लिए उन्होंने ऐसे प्लांट बना के रखे हैं। लेकिन मैक्सिमम ये जो प्लांट है सिर्फ पीने के पानी जो है ना, उसका शुद्धिकरण के लिए प्रॉपरली काम करता है, क्योंकि वहां जरा भी कुछ हुई बीमारी तो सामने नजर आती है, बाकी की चीजों में ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता। ये आज ये परिस्थिति है आज की। और ग्राउंड वाटर की बात करें, यानी ग्राउंड वाटर के अंदर क्या है, आपके कुएं में क्या है, आपके बोरवेल में क्या है, उस पानी के लिए ऐसे कुछ फैंसी प्रोजेक्ट्स लगाते हैं। अब ये बाहर के जो कंपनियां हैं, यूरोप यूरोप यहाँ वहां वो लगाते हैं, और हमारे यहाँ भी म्युनिसिपालिटी जो है ना, वो उनके पास का जो फंड होता है ना, उस फंड का स्पेशल अलोकेशन होता है वाटर मैनेजमेंट के लिए, तो वो भी लगाते हैं। लेकिन इससे इतना फर्क क्या ये सोल्यूशन है? तो नहीं, लेकिन करते हैं आज की तारीख में मैनेजमेंट। पॉइंट टू यूज ट्रीटमेंट, यानी भारत में कम दिखाई देता है, लेकिन जहां से ये पोल्यूशन हो रहा है उसको बंद करना, उसके ऊपर काम करना, ये भी मैनेजमेंट का एक भाग है। दूसरा, अबेंडनमेंट, अगर आप बहुत कुआ बहुत देर तक बहुत ज्यादा आपने इस्तेमाल किया है, बहुत साल हो गए, तो एक तो बहुत ज्यादा कुएं नहीं होने चाहिए, ऐसा भी हम लोग को तो कोई देखता नहीं, ऐसे ही चलता है सब कुछ, लेकिन आइडियली ऐसे कुएं में कुछ कुछ साल के बाद उसको बंद रखना चाहिए। लेकिन आज का करंट स्टेटस मैं आपको बोलता हूं दोस्तों,
करंट स्टेटस ये है कि मैनेजमेंट की कोई चीज जैसे है ही नहीं, इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग तो इस तरह से काम रहे जैसे हमको जरा भी समझ में नहीं आते कि कैसे काम करना चाहिए। यानी 80% देखो पानी कुदरत दे रही है, कुदरत ने पर्याप्त करके रखा है, जो पानी इस्तेमाल कर रहा है फ्रेश वाटर, और वो इस्तेमाल करने के बाद जो खराब हो रहा है वेस्ट वाटर, 80% पानी पूरी दुनिया में वो जा रहा है बाहर, कुछ उस पर प्रक्रिया विक्रय के नाम कोई चीज ही नहीं है जैसे हमने देखा। लेकिन सबसे सबसे डेंजर बात यह है कि जो पानी आज जहां जा रहा है ना, उस पानी को भी खराब करता है ना। आप एक खराब पानी, एक तो आप इस्तेमाल कर रहे हो और उसको इस ऐसी जगह डाल रहे हो, तालाब में, नदियों में, समुन्द्र में, और वहां का जो पानी है उसको भी खराब कर रहे हो। कहा कब तक ये चलेगा दोस्तों? आज की तारीख में ये जो पानी का मैंने बताया कि इतना पानी होने के बावजूद भी 700 में से 100 करोड़ लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं, 250 करोड़ लोगों को वो टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, क्योंकि वह पानी पर्याप्त उसमें अवेलेबल नहीं है। और इसीलिए पूरे साल में इतने लोग पानी की वजह से मरते दुनिया में, जितने युद्ध में मर गए होंगे और जितने हिंसा में मारे जाते हैं ना, उनसे कई ज्यादा लोग सिर्फ पानी की वजह से मर रहे हैं आज। और अगर हमें देश की बात करूं, हमारे देश की, तो हमारे देश के भी हालत बहुत ही नाजुक है, बहुत ही चिंताजनक है। वो क्यों है? क्योंकि हम सीवेज, हमारा देश सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, ये सब प्रक्रिया में, ये सब चीजों में बहुत बहुत पीछे है। सीवेज टॉयलेट का पानी हम हर जगह, चाहे वो छोटा सा कस्बा हो, गांव हो, वहां से लेके बड़े बड़े महानगरों तक ऐसे ही डाल रहे हैं। और सभी जगह समंदर नहीं है, आपको तो पता है, ये नदियां, तालाब, सब कुछ इसके वजह से खराब हो रहा है। दूसरा, एग्रीकल्चर, जो भी खेती हम लोग कर रहे हैं ना, ये पूरे केमिकल कैंसर की खेती हो रही है। जैसे भी बारिश आती है, आज भी बारिश चालू है, ये सभी केमिकल्स लेके जाती है और आज हो रहा है। इंडस्ट्रियल को ऐसा देखे कि कोई सोचता भी नहीं, कोई देखता भी नहीं, इतने सारे लोग है, इतनी सारी व्यवस्था, इतने कायदे कानून है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं। इसीलिए वही 80% जो हॉस्पिटल बेड है वो सिर्फ और सिर्फ पानी की बीमारी की वजह से है दोस्तों। हमारा देश, मैं आपको याद दिला दूं, सुजलाम सुफलाम 80% ऑफ द टाइम था। पूरी दुनिया में जब से संस्कृति का निर्माण हुआ है, सभ्यता का निर्माण हुआ है, तब से लेके अभी तक जितना भी पीरियड है ना, 80% हम लोग सुजलाम सुफलाम, सबसे बड़ी इकोनॉमी थी दुनिया की, एक तिहाई इकोनॉमी हम लोग चला रहे। क्यों, किसके भरोसे? तो इस नदियों की वजह से। ये नदियां है जिन्होंने हमारे देश को सुजलाम सुफलाम किया। ये हिमालय से जो तैयार होती है, ये सभी नदियां अपने साथ जो अच्छी मिट्टी लेके आती है, वो अपने आजू बाजू प्रदेशों को इतना हरा भरा, इतना सुपीक, इतना फर्टाइल बनाते हैं कि जिसकी वजह से हम लोग हैं। और यही कारण है कि हर नदी को यहाँ देवी, यहाँ माता, यहाँ माँ करके बोला जाता है, क्योंकि इतना करती है वो। ये हर नदी, हर ये पूरी जो है ना सिस्टम, इसकी वजह से हम लोग है, इसके वजह से हमारा देश नंबर वन देश है, और हम लोग ये पूरा भूल चुके हैं। यानी कुदरत ने इतना कुछ दिया है। अभी देखिए, ये हमारी सबसे बड़ी नदी है गंगा, गंगा मैया हम लोग उनको बोलते हैं। हमारी जो आबादी है ना पूरे देश की, 130 करोड़ है। 130 करोड़ में से 40% लोग सिर्फ गंगा किनारे रहते हैं, और ये गंगा 11 राज्यों से निकलती है, और ये गंगा मैया करके हम लोग इतना, क्योंकि सिर्फ ये सिर्फ हमारी भावना है, इसलिए नहीं, उसके लिए रीजन है ना। आपको पलाया, बड़ा, इतना बड़ा किया, इतना समृद्ध किया, इसने किया, इसलिए उसको इतना पूछते हैं। लेकिन आज उसी परिस्थिति देखोगे तो क्या है, तो इसको इतनी बुरी तरह से हम लोगों ने पोल्यूट करके रखा है, इतनी बुरी तरह से उसको बर्बाद करके रखा है कि दुनिया में सबसे बड़ी नदियों में गंगा आता है, लेकिन आज की तारीख में सबसे बड़ी, सबसे प्रदूषित नदियों में गंगा का नाम ऊपर है। क्या आप सोच सकते हैं, 600 किलोमीटर उसका अंतर, एक ऐसा एरिया है गंगा का कि जहां डेड जोन बन चुका है, यानी गंगा के पानी में कोई भी जीव आज की तारीख में जिंदा नहीं है, उसको कहते हैं डेड जोन। वो इतना बड़ा प्रदूषण हम लोग
गंगा का किया।